Standard first. Welcome in EVS lecture. Today we are going to discuss our chapter number 12 how we move around. In previous lecture we have discussed land transport, right? This all vehicles that move on land. Now today I am going to start from air transport. Uh, air transport means vehicles they फ्लाई अक्रॉस द एयर के जो व्हीकल हवा में तैरते हैं उड़ते हैं उनको हम एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं तो उसमें सबसे पहला आता है एरोप्लेन। ये ये एरोप्लेन का स्पेलिंग है एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई एरोप्लेन है वो ए से शुरू होता है इसलिए उसके आगे ए एन लगता है क्योंकि वो सिंगुलर है तो एरोप्लन है वो आकाश में उड़ता है इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इट इज़ मतलब वह फास्टेस्ट मतलब सबसे आ, स्पीड वाला ट्रांसपोर्ट का एक जरिया है इट कैन कैरी मैनी पीपल एट अ टाइम इट मतलब ये एरोप्लेन है वो एक साथ में बहुत सारे लोगों को केरी यहाँ केरी मतलब खाने वाली केरी नहीं है केरी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना तो ये जो एरोप्लेन है वो बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है तो ये एरोप्लेन के बारे में हुआ नाउ हेलीकॉप्टर दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ हेलीकॉप्टर अलीकॉप्टर ऑल्सो फ्लाइस इन द स्काई हेलीकॉप्टर भी आकाश में उड़ता है इट इज़ नॉट एज फास्ट एज एन एरोप्लेन लेकिन वो एरोप्लेन जितना बहुत स्पीड से नहीं जा सकता है एरोप्लन से उसकी स्पीड बहुत कम है इट कैन केरी फ्यू पीपल एट अ टाइम वो एक बार में कुछ ही लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है एरोप्लेन में बहुत सारे लोग जा सकते हैं जैसे 300, 350 इतने लेकिन हेलीकॉप्टर में तीन से पाँच लोग ही जा सकते हैं नाउ कट एंड पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एन एरोप्लेन एंड ए हेलीकॉप्टर इन द बॉक्सिस गिवन पीलो मतलब यहाँ आपको एरोप्लेन का पिक्चर काट के चिपकाना है और यहाँ हेलीकॉप्टर का लेकिन ये काट के मत चिपका देना कहीं और से दूसरे हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के पिक्चर काटकर यहाँ चिपकाना ओके नाउ टाइम टू आंसर नेम द मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट मतलब आपको एयर ट्रांसपोर्ट के नाम बताने हैं तो नंबर वन इट कैरीज मैनी पीपल एंड फ्लाइज वेरी फास्ट मतलब वो बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकता है और वो बहुत फास्ट है तो वो है एरोप्लेन इट कैरीज फ्यू पीपल एंड फ्लाइज स्लोअर वो कुछ ही लोगों को उठा सकता है और वो धीरे चलता है तो वो है हेलीकॉप्टर ओके नाउ नेक्स्ट है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट वाटर ट्रांसपोर्ट मीन्स व्हीकल्स सेल ऑन वाटर जो व्हीकल है पानी पर चलते हैं उनको हम वाटर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं अ सेल बोट यूजिस विंड पावर टू मूव ऑन वाटर सेल बोट मतलब ऐसी बोट के जिसमें ऐसी जिसको हम क्या बोलते हैं ये जो हवा से चलता है ना ये कपड़े का बना होता है तो उसको हम सेल बोट बोलते हैं ऐसी बोट को और जो हवा हवा का मतलब एयर का जो पावर होता है शक्ति होती है उसको यूज करके आगे बढ़ती है तो वो धीरे धीरे आगे जाती है पुराने जमाने में ऐसी सेल बोट यूज होती थी और आजकल कम डिस्टेंस में जहां पर रिवर है या छोटे तालाब है उसमें मूव करने के लिए ऐसी बोट्स यूज होती है दूसरा है शिप ऐसा शिप जो बहुत बड़ा जहाज होता है शिप इज अ लार्ज बोट शिप बहुत बड़ी बोट होती है और वो लोहे से बनी होती है इट कैन ट्रावल अक्रॉस सीस एंड ओसंस वो बड़े बड़े समुद्र और दरिया के ऊपर चलती है इट कैरीज़ पीपल एंड गुड्स टू डिस्टेंस प्लेसिस वो है लोगों को और गुड्स गुड्स मतलब गुड मतलब अच्छा वाला गुड नहीं यहाँ पर गुड्स का मतलब होता है माल सामान चीज़ें तो सिप है वो लोगों को और सामान को बहुत लंबे दूरी पर आए हुए जगहों पर लेकर जाती है मतलब एक देश से दूसरे देश तक सामान को और लोगों को पहुंचाने का काम ये सिप करती है स्पीड बोट ये है स्पीड बोट जो कि स्पोर्ट्स में भी और अपने मनोरंजन के लिए भी लोग इसको यूज करते हैं स्पीड बोट इज स्मॉल बट इट ट्रैवल्स वेरी फास्ट स्पीड बोट है वो छोटी है लेकिन वो बहुत स्पीड में भागती है वो बहुत जल्दी से सफर करती है तो वापस हमें कुछ आंसर देने हैं नेम द फॉलोइंग आई यूज वीन टू मूव ऑन वाटर पानी पर आगे बढ़ने के लिए मैं हवा का इस्तेमाल करता हूँ तो वो कौन है तो वो है ये सेल बोट नेक्स्ट है आई एम अ लार्ज बोट एंड मूव अक्रॉस सीस मैं बहुत बड़ी बोट हूँ और मैं दरिया के ऊपर तैरता हूँ तो वो है शिप नाउ की टर्म्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर केयरिंग पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर सिस्टम मतलब कोई भी व्यवस्था जो लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उपयोगी होता है उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं नाउ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डिफरेंट वेज यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के अलग अलग तरीके उसको हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं ओके तो यहाँ पर यह हमारा ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर ख़त्म होता है नाउ लेटस प्रैक्टिस मेच द फॉलोविंग हमें यहाँ पर कुछ व्हीकल्स के नाम दिए हैं और वो कौन से ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ पर हमें मैच करना है तो बस है वो कहाँ पर चलती है या कौन सा ट्रांसपोर्ट है तो के लैंड तो यहाँ हम डालेंगे सी फिर एरोप्लेन है वो एयर ट्रांसपोर्ट है और स्पीड बोट है वो वाटर ट्रांसपोर्ट है नाउ ट्रू और फॉल्स ट्रेन मूव ऑन द रोड ट्रेन है वो रोड पर चलती है तो ये फॉल्स है बस इज़ मींस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट बस है वो एयर ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है या साधन है तो वो भी गलत है एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन है वो सबसे स्पीड में आने होने वाला ट्रांसपोर्ट है मतलब सबसे स्पीडी ट्रांसपोर्ट है तो वो ट्रू है ट्रेन कैन केरी फ्यू फ्यूअर पीपल धेन कार ट्रेन है वो कार से कम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है तो ये भी फॉल्स है नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग means ऑफ ट्रांसपोर्ट तो ये है बस बी यू एस बस और ये है गुड्स ट्रेन देखो यहां पर कंटेनर है डिब्बे नहीं है जैसे हम बेचते हैं तो इसको क्या बोलेंगे गुड्स ट्रेन नाउ ये है एरोप्लेन और ये है सेल बोट नाउ क्वेश्चन डी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वॉट इज ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट किसको बोलते हैं सो ट्रांसपोर्ट मीन्स अ सिस्टम विच कैरी पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ओके now which is the fastest means of transport so an aeroplane is the fastest means of transport question three how does sailboat move so a sailboat use wind power or power of wind for moving name two means of land transport द टू मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट आर कार एंड बस नंबर फाइव वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरोप्लेन एंड ए हेलीकॉप्टर कि भाई एरोप्लेन एंड हैलीकॉप्टर में क्या फ़र्क है तो एरोप्लेन कैन केरी मैनी पीपल्स फ्रॉम वन प्लेस टू वन अदर वाइल हेलीकॉप्टर कैन केरी फ्यूअर पीपल एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाइल हेलीकॉप्टर इज स्लोअर देन एरोप्लेन ओके नाउ वॉट्स जिया मदर हैज टू ट्रेवल फ्रॉम डेली टू मुंबई इन टू आवर्स वॉट इज़ द मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सी शुड यूज कि भाई जिया की मम्मी को दिल्ली से मुंबई जाना है और वो भी दो घंटे में तो उसके लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट सबसे सही रहेगा तो वो है एयर ट्रांसपोर्ट क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो फिर यहाँ पर एक्टिविटी जोन है कट एंड पेस्ट पिक्चर ऑफ टू मीन्स ऑफ वाटर एंड लैंड ट्रांसपोर्ट इच इन द बॉक्स गिवन बिलो कि भाई आपको यहाँ दो दो पिक्चर चिपकाने हैं दो वाटर ट्रांसपोर्ट के और दो लैंड ट्रांसपोर्ट के ओके okay? तो आप कहीं से भी दो वाटर ट्रांसपोर्ट है जैसे कि सेल बोट या शिप या स्पीड बोट या शिप और दो लैंड ट्रांसपोर्ट कार बस स्कूटर मोटर कुछ भी तो आप वहाँ पर चिपका देना तो यहाँ पर ये यह मैं चैप्टर और लेक्चर दोनों ख़त्म कर रही हूँ अगले लेक्चर में हम वापस नया चैप्टर करेंगे टिल दैट टाइम गुड बाय एवरी